हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हेलमेट पहनने से देखिए मेरे बालों की क्या हालत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी में और मैं यहाँ विहान के लिए आम खरीद रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से अंकल कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो देखो यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ 100 रुपये का 3 किलो आम। यहाँ पे हो गया है इसमें आगे। हाँ, तो ये बब्बू गोशा किलो कर दीजिए, बढ़िया बढ़िया निकालना। तो जी यहाँ से मैंने 100 रुपये की किलो बब्बू गोशा लिया है। नाशपाती तो सस्ती है, तो विहान के लिए मैंने कहा इसको, अब स्कूल से आएगा तो इसको बब्बू गोशा कट करके खिला दूंगी। तो ये आलू बुखारा है, 100 का कर दो। अच्छा अच्छा, बढ़िया करना। तो ये ले रही हूँ, देखो मैं यहाँ विहान के लिए बढ़िया खिलाऊंगी उसको। और खरबूजा भी है, खरबूजा तो नहीं, तरबूज है, एक तरबूज भी निकाल देना। वो देखो पीछे तरबूज है। छोटा ही देना भैया तरबूज, ज्यादा बड़ा मत देना, एक बार में खत्म हो जाए, इतना चाहिए होता है। फिर वो बचा पड़ा रहे, फेंकना ही पड़ता है अगले दिन मुझे। तो यहाँ पर ये 100 रुपये किलो है आलू बुखारा बोलते हैं, और इसके अलावा मैंने तरबूज लिया है। भैया तरबूज का रेट क्या किलो चल रहा है? 25 रुपये। तो तरबूज है इस टाइम सस्ता, अब रेट डाउन हो गया तरबूज का, 25 रुपये किलो है। क्योंकि मेरे को याद है मैं 50 रुपये 60 रुपये पहले लेकर गई थी। पपीता तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी, बस एक दुकान पे है, वो दे रहे हैं 80 रुपये का। तो मैं कहा मैं लेकर जाती हूँ 50-60 रुपये तक का, तो देखेंगे। अभी यहाँ नहीं मिल रहा है, और कहीं 2-3 जगह वरना होता है, हर जगह आम ही आम बिक रहे हैं इस टाइम पे, दशहरी आम। तो देखो हम कितने हो गए टोटल भैया इन दोनों के, 150 रुपये। तो अभी मैं पैसे दे देती हूँ इनको, ये लीजिए इसमें से काट लीजिए। तो हमारे फल फ्रूट में देखिए, आम खरीदा है मैंने अभी विहान के लिए, तरबूज खरीदा है, आलू बुखारा खरीदा है, और इसके अलावा ये मैंने क्या खरीदा था भाई, मैं खुद भूल गई। ये हाँ हाँ, ये मैंने वो खरीदा है, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई नाम, क्या बोलते हैं भैया, नाशपाती जैसा होता है जो, हाँ ये बब्बू गोशा खरीदा है मैंने। तो टोटल कुल मिला के मैंने यहाँ पे 4 तरीके के फल फ्रूट खरीद लिए हैं। भैया बाकी पैसे दे रहे हैं, हाँ मुझे लाइ दीजिए, थैंक यू भैया। भैया एक पैकेट दूध दे दो, एक पैकेट, हाँ फुल क्रीम दे देना। और दही है आपके पास, आप वाला जमाया हुआ वो नहीं है, पैकेट वाला दे दो फिर, कोई नहीं एक दे दो। ठीक है, तो इधर से देखिए मैंने दूध लिया है और दही लिया है। तो इधर गर्मी में थकी हारी मैं आई हूँ, आती मैंने एसी चला दिया ताकि थोड़ा कमरा ठंडा हो जाए। तो 10 मिनट अब मैं लेटूंगी, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, थक जाते हैं यार, इतनी दूर है, इतने किलोमीटर दूर बाइक चलाना आना सामान खरीदना। अब 5 मिनट सांस ले लूँ पहले, चलो इतने अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, आधा घंटा बैठ के। अब मैं अपने लिए एक छोटू पैकेट मैगी का बनाऊँगी, क्योंकि अभी विहान घर पर नहीं है, तो वरना वो मांगेगा और उसको मैं दूँगी नहीं इस तरीके से नूडल्स। तो इधर मैं मसाला ना आधा ही पैकेट डालती हूँ अपनी में भी, थोड़ा कम। मेरी नूडल्स बन के तैयार हो गई है। अब तो मैंने नूडल्स खाना बहुत कम कर रखा है, देखो ना इतनी सी बनाई है, वो भी एक पैकेट सिर्फ, और वो भी हफ्ते में एक बार बनाती हूँ, पहले रोज खाती थी बट अब कम कर दी है। डेली डेली भी खाना ठीक नहीं है, तो आप भी खा लीजिए मेरे साथ मैगी नूडल्स।
पता नहीं इतना तेज है ना ये प्याज, आंखों में जलता है। तो यहाँ मैंने प्याज और आलू कट कर दिया है, चावल धो दिए हैं, कुकर कर देते हैं अब हम बंद। बाकी ये कुकर सही लगा मुझे, प्रेस्टीज का है, 1100 रुपये का आया था, ये 3 लीटर का है। वैसे ठीक है, इसमें सिटी खाना जलता नहीं है अब मेरा। तो इधर चावल तैयार हो गए हैं, करछी लेके आऊँगी साथ वाले घर से ना, मिक्स कर दूँ। तो अब स्कूल से आके विहान के लिए मैंने खाना तैयार कर दिया है, पापा जी लेने चले गए हैं विहान को, इतने खाना थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने कहा परोस देते हैं। इसमें मैं इस तरीके से घी ऐड करती हूँ बच्चे के चावल में, साथ में दही हो जाएगा। यहाँ रख देती हूँ, इतने थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा 2-3 मिनट में, फिर आते ही खिला दूँगी। ये कपड़े निकालती है विहान के, आते ही चेंज कर दूँगी उसकी ड्रेस, यहाँ रख देते हैं। मैं ये खा रही हूँ। तो विहान आ गया है स्कूल से, आ जाओ बेटा अब खाना का टाइम हो गया आपका। आज हमने क्या बनाया? बेटा नमकीन चावल बनाए हैं, ये देखो चावल चावल और दही भी है, पसंद है आपको? इधर बैठ जाओ, पोलथी मार के बैठ जाओ, ठीक है? लाइट बंद हुई है, लाइट जल रही है, बैठ जाओ, बैठ के खिलाऊंगी आराम से, ठीक है? पोलथी मारो, पोलथी कैसे मारते हैं? वेरी गुड, ऐसे बैठे है। हाँ ले बेटा, मम्मा दही के साथ खाना है, ले ले बेटा। स्कूल में क्या खाया आज टिफिन में? आज आज खाया राजमा चावल। हाँ राजमा चावल, पूरा खाया आधा खाया? आधा। क्यों नहीं खाया पूरा? फिनिश क्यों नहीं करके आया आज टिफिन? कल खा लूंगा पूरा स्कूल में। अच्छा वही चावल कल खा लोगे? हाँ। आपको क्या पसंद है टिफिन में विहान? मुझे हाँ कल चावल पसंद है और राजमा चावल पसंद है, और मुझे दोनों ही पसंद थे। पसंद थे नहीं चावल भी? फ्रेंच फ्राइज भी। अच्छा ये ड्रेस कहाँ से लाई, कौन लाया ड्रेस आपकी? है कौन सी? ये वाली, ये वाली मेरे दादू। कब लाए? कब? कब मेरा जन्मदिन था। अच्छा कल जन्मदिन था। हाँ और कौन सी ड्रेस लाई, एक ही लाई या दो लाए? दो। अच्छा तेरे दादू भी हैं क्या? कहाँ रहते हैं तेरे दादू? कौन से दादू बता, कौन से दादू है तेरे? कौन से होते हैं? भूल गया सबको? हाँ गया था इसको, ये इसको क्या याद रहेगा इतने महीने हो गए। नाम नाम पता है दादू का क्या है? हाँ पता है। क्या है? दादू की नाम दादी जन्मदिन। हाँ सदिन। क्या नाम है? क्या है मेरा, किसका नाम बोल रही हो? दादा का नाम क्या है? हाँ लकेश है। लकेश वो तो नाना का है बुद्धू, नाना का नाम है बेटा राकेश, तो नाना जी है ना उनका नाम है राकेश। नाना का तो फिर दादू का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं दादी का पता है? हाँ क्या है? हाँ सुनीता। अच्छा किसने बताया? दादू ने। दादू ने? हाँ सबके नाम पता है। नानी का नाम क्या है? नानी का नाम हाँ लकेश। वो तो नानू का है ना? संतोष। देख लो नानी का नाम भी पता है संतोष, और नानू लकेश, और नानी का संतोष, दादी का सुनीता, दादा का समीम जी हैं, समीम जी नहीं कुछ और है, मतलब चाचू का नाम है समीम जी। हाँ तो पता ही नहीं था दादा का नाम क्या, फिर आप बताओ, मुझे नहीं पता।
नहीं पता? नहीं। मामू का पता है? हाँ। क्या है? क्या है? छोटे मामू। क्या है? छोटे मामू। क्या नाम है? क्या मामू का नाम बताओ, आपको पता होना चाहिए। मैं तो चाचे का नाम मैं बता देता हूँ। बता दे। प्रीति। अच्छा, और मामू का? मामू का तो नहीं पता। मामा का? बड़े मामा का नहीं, छोटे मामा का। छोटे मामा का? हाँ, मुझे तो नहीं पता छोटे मामा का, आप बताओ। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता नाम। और हमारे घर कौन कौन आया था जन्मदिन पर? कौन जन्मदिन पर? आपके बर्थडे पे कौन कौन आया था? बच्चे में जो मैं बच्चे के साथ खेलता वो आए थे जन्मदिन पे। पहले मैं फिर बाजार गया था, शाम घर में मैं फिर बच्चे आ गए, फिर शाम हुई, फिर बारिश का मौसम हो रहा, फिर बच्चे ही थे अभी आए, ये जन्मदिन पे बच्चे आए थे। अच्छा, और क्या खाया था उस दिन? हाँ, केक खिलाए और कोल्ड ड्रिंक पी। और मैंने क्या करा? क्या किया बताओ? जो करो, समोसा खाया। तेरे दांत दिखाइयो, ये दांत इतने टेढ़े मेढ़े क्यों होंगे बेटा आपके? ब्रश कराना कल, फिर टेढ़े मेढ़े नहीं होएंगे। ठीक है, ब्रश करवा दूंगी। ये दांत देखना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये दो दांत, बाकी तो ठीक है। तेरे दांत नीचे के तो सारे ठीक है। हाँ देख, कितना गैप है, बिल्कुल तेरे दांत ना तेरी दादी पे गए हैं। हाँ, तेरी दादी के थे ऐसे दांत। बाकी ये तो चलो दूध के हैं, बाकी दूसरे दांत अच्छे आने चाहिए इसके, है ना जी? ये तो कोई बात नहीं, ऐसे दांत ऐसे चला दो। किसी भी लाएगा बेटा, हमारा बहुत सारा बिल आ जाएगा। नहीं ऐसे चलाओ, बिजली का बिल आएगा। नहीं ऐसे चलाओ चलाओ चलाओ, वो बंद हुआ हुआ चलाओ ऐसे, मुझे गर्मी लग रही है। बेटा हम गरीब हैं, हम गरीब लोग एसी में कहाँ से सोएंगे? नहीं, एसी में ही सोएगा? हाँ। गर्मी लग रही है आपको? चला दूं फिर एसी? अच्छा चला रही हूँ, रात को भी एसी। देख लो बेटा, इतनी मेहनत करी है मैंने बेटा तेरे लिए, आज विहान को एसी में सुलाती हूँ मैं खुद। इसको ये पता है एसी क्या होता है, एसी में बोल देता है मम्मी एसी चला दो, खुद अपने पैसों से मेहनत करके एसी लगवाया है मैंने, सिंगल मदर होते हुए भी। देखो बच्चे को कि नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो आराम से। इसको कभी, अभी कूलर नहीं है इस घर में मेरे, इस कमरे में एसी लगा हुआ है, तो विहान को कूलर तो नानी के घर कूलर है। आपको अच्छा लगता है एसी में सोना? अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? और ये क्या पहनी आपने? ये वाली, इसे नजर नहीं लगती, ये मेरे को बचा लेता है हर चीज से। आपको भी चाहिए ऐसा? ऐसा हाँ, आपको भी पहनना है? हाँ, वो छोटा छोटा होता है, और आपका तो आपको आपको तो बड़ा ही आ जाएगा, मुझे छोटा आ जाएगा। हाँ भाई, इसके लिए छोटा छोटा खरीदना है। गले में भी पहनोगे क्या? गले में भी पहनोगे? अरे गले में नहीं पहनते वो, तो कहाँ पहनते हैं? अरे आप पहनते साइड, इस साइड पहनते हैं। हाँ, तो गले में भी तो कुछ पहनेगा। क्या पहनूंगा आप बताओ, क्या पहनोगे गले में? दीदी में वो कौन सी दीदी है? कौन सी वाली? वो दीदी होती है क्या जो तेरे जन्मदिन पे आई थी? हाँ। क्या लाई थी तेरे लिए? ड्रेस लाई। अच्छा, श्रुति दीदी की बात कर रहे हैं? यहाँ नहीं है, दूसरे घर में है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का। ये वाले के खिलौने लाई, ये वाले। हाँ लाई थी बेटा। और मेरे चश्मा लाते। हाँ चश्मा भी लाए थे। आप सब लोग मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा
कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, दवाइयाँ जो भी चल रही हैं, मेरा बच्चा एकदम हेल्दी और स्वस्थ हो जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। पर हर वीडियो में ये बात मैं बोला करूँगी कि दुआ करो मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है। और आप मेरी वीडियो देखने वाले मेरे बच्चे के लिए दुआ करोगे कि ये स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, आईसी चल रहा है बेटा। अच्छा इधर आ, इधर आ, सबको बोल दे। क्या बोलूं? कि मेरे लिए एक क्या लाना, केक नहीं लाना, एक है मेरे लिए प्रे करना सब कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से, ठीक है, मेरी दवाइयां छूट जाए, मेरी दवाइयां छूट जाए। बोल दे जय श्री राम। जय श्री राम। फिर से बोल दे जय श्री राम। जय श्री राम। आ देखो मैंने जय श्री राम में क्या 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 बंधाई। हाँ कह रहे जय श्री राम में क्या बंधाई, मैंने ये धागा पहनाया था ना आपको। हाँ बता तेरे को क्या चाहिए बेटा, मम्मा की बातें मना कर सारी, ठीक है, फिर मम्मा आपको गिफ्ट देती है ना। हाँ बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए ना मम्मा ने आपको सारे, है ना, आप मेरी बात मान लिया कर, बस बेटा इतनी बात मान लिया कर, जो मैं दूँ वो खा लिया कर, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें खाया कर। हाँ मैं बोला आप तक खा लूंगा फिर मुझे शुगर नहीं होएगी। क्या नहीं खाएगा? अरे ये बोला मैं पराठा खा लूंगा फिर मुझे शुगर नहीं होएगी। हाँ पराठा खाया कर। शुगर कौन सी चीज खाने से होती है? शुगर। हाँ बताओ। चॉकलेट खाने से होती है शुगर। हाँ और क्या खाने से होती है? और किटकैट खाने से। हाँ और बड़ी वाली चॉकलेट से, वो बड़ी वाली चॉकलेट से भी शुगर होती है। नहीं आपको तो कुछ भी नहीं होगा, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है, सबको बोलो वीडियो को लाइक करने को। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को क्या करो? वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। हाँ सब्सक्राइब भी कर दिया, बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अरे बाय तो नहीं बोला आपने? बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखो ये तो नहीं बोला आपने? क्या अपना खूब सारा ध्यान? अरे मैं फोन चला रहा हूँ अभी। चल बाय बाय बोल दे। फोन चला के चलाते कर लूंगा। अच्छा सुनिए जी, पहले एक चीज, इस वीडियो के YouTube कमेंट सेक्शन बंद कर देगा, क्योंकि इसकी आवाज़ ही चली गई ना, छोटा बच्चा है ना तो कर देता है अपने आप YouTube कमेंट सेक्शन बंद।